हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। जो अभी मेरे सामने बुक पड़ी हुई है वो है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। नाउ 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी प्रीलिम्स है और बहुत बार जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कैसे पढ़ें, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट स्पेसिफिक कौन से चैप्टर हैं, वो मैं आज आपको लिस्ट बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरी हम लिस्ट करेंगे कौन कौन से आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कैसे पढ़ना है। देखिए, इसके बाद ऐसी भी वीडियो आएंगी पर्टिकुलर कि किस चैप्टर को कैसे नोट्स बनाने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, कैसे पढ़ना है या कौन सी स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, 2019 एडिशन है और सभी के चैप्टर वैसे सिमिलर रहते हैं, ठीक है, ये देखने को मिल रहा होगा 2019 का एडिशन है। तो एक एक करके मैं हर एक चैप्टर को बताऊंगा पर्टिकुलर और उस चैप्टर में कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर सोर्सेज फॉर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको पूरी तरह स्किप करो, राइट। यहाँ पर सिर्फ पूरा मेंस में किस तरह से आगे की हिस्ट्री आई है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेंस के लिए तो आपको इनसाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो ये चैप्टर वैसे तो सभी चैप्टर पढ़ने हैं, बट मोस्ट स्पेसिफिक लास्ट में जब आप सेकेंड रिविजन करते हैं या थर्ड रिविजन करते हैं तो कौन सी चीज को आप प्रिफर करेंगे या प्रिफरेंस देंगे, राइट। सेकेंड है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, ये जानने की अभी जरूरत नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है जो एनालाइज किया हुआ है हमने 5 से 6 साल में, जितने भी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेसिस पर यह डेटा आपको दिया जा रहा है। देखिए, आपको शुरू कहाँ से करना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और इसमें भी स्पेसिफिक क्या पूछा जाएगा कि कहाँ पर सबसे पहला फोर्ट था, गोवा में कौन सा फोर्ट था, उसका नाम क्या दिया था, ये पर्टिकुलर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में भी मैं 1 स्टार दूंगा, ठीक है। जो अभी 3 चैप्टर बताएं सब में 1-1 स्टार है, यानी कि इसको पहले प्रायोरिटी नहीं देनी है। यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है यूपीएससी प्रीलिम्स 10 अक्टूबर 2021 के लिए। नाउ आपको पढ़ना कहाँ पर से है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले देखिए, एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट, ये 2019 के एडिशन में 4th चैप्टर है, और एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। बट इसको अभी करना कहाँ से वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर दिया हुआ है, ठीक है, इसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। जो पढ़ना है आपको वो कहाँ से है, वो है आपको 1857 के रिवोल्ट को। सबसे पहला स्पेक्ट्रम की जो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे, अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिए तो रिवीजन के लिए मोस्ट प्रायोरिटी चैप्टर कौन सा बनाओगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहां पर से कॉजेज भी पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस में कि किसके पीछे 1857 की क्रांति में अलग अलग सोशल नेचर कैसा था, कहां पर से रिवोल्ट उठ रहा था, ये सब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा रिवोल्ट ऑफ 1857 में पूरा कंप्लीट पढ़ना है, चाहे इसके कॉजेज हो, इकोनॉमिक कॉजेज क्या रहे, पॉलिटिकल कॉजेज क्या रहे, ठीक है, सोशल रिलीजियस कॉजेस क्या रहे, ठीक है, वो राइफल में जो आटा मिलाया गया था, ठीक है, बीफ का वगैरह का, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड आएगा। ये सब पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स अगर 1857 के रिवोल्ट के क्वेश्चन देखोगे बहुत सारे हैं, तो चैप्टर नंबर 7 सबसे पहले कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो ये मूवमेंट है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, कौन कौन से गवर्नर जनरल उसमें हुआ करते थे, चैप्टर 8 भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, इनने किस चीज की स्थापना की थी, किसके फाउंडर रहे हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 डायरेक्टली पूछा जाएगा। इसमें कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से जो संस्थान है, किसने बनाए, फाउंडर कौन रहा था, इसके पीछे कौन है, और अटैक के पीछे, बहुत बार अटैक भी आते हैं, अभी मैं करूंगा। तो 7th, 8th, 9th चैप्टर पूरा करना है, हर एक मूवमेंट को करना है, बट स्पेसिफिक इन चैप्टर के बाद मैं हर एक चैप्टर में आऊंगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो पर्टिकुलर चाहिए होगी कि पर्टिकुलर चैप्टर में सर कैसे पढ़ें, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको क्या करना है कॉमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। फिर है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। उसमें वही चीज है, वेस्टर्न थॉट, एजुकेशन, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, ठीक है, इनका रोल तो आया है, बट इसके पीछे कौन कौन से हैं, प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कैसा रहा, ठीक है, दूसरा जो है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कंट्री का कैसा रहा, डेट यहाँ पर से पूछी जा सकती थी, ठीक है। और आपको कौन सा है फिर, 7th, 8th, 9th, 10th, राइट। और जो
सेकंड प्रायोरिटी वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 को सबसे पहले पढ़ना है, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी वेल्व थ्योरी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या रहे थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से बनी है तब से हमारी भारत आजाद क्यों हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल इतना बड़ा जो सेटअप है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है मैं कहूँगा, जिसके बेसिस पर भारत को आज़ादी मिली। बहुत सारे जो लीडर्स हैं आईएनसी से बाद में जुड़े। तो चैप्टर नंबर 7 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस डायरेक्ट करना है। अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑलरेडी एक दो बार रिवाइज कर चुके हैं, आपको कनेक्शन पता है कि क्या है। आप रैंडम भी पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को या रिवोल्ट ऑफ 1857 को, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर पढ़ना है वो सेवंथ चैप्टर तो बता दिया, आईएनसी बता दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इमर्जेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड अदर न्यू फोर्सेस, यहां पर पूछा गया है। इंडियन यूथ, पीजेंट्स एजुटेशन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, ये सब चीजें आएंगी। बट एक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पूछा जाएगा आपसे वो है साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट, चैप्टर 18, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, तो अभी ये पहली पार्ट है, ऑलरेडी 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो चुकी है। तो सबसे पहले पार्ट में मैंने इनिशियल के 3 चैप्टर आपको बता दिए हैं, उनको याद रखना, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 18 बता रहा हूँ, साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट तीसरा चैप्टर, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद, ठीक है, मैं सीरीज वाइज ये अपने बेसिस पर याद कर लेना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, और ठीक है, और मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, कौन कौन से एक्ट आए, वर्नाकुलर, ठीक है। ये साइमन कमीशन के बाद हम सेकंड वीडियो रिलीज करेंगे जो कि होगी खास स्पेसिफिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।